एनआईए द्वारा बीएसएम कार्यालय पर हुई छापेमारी का विरोध करते हुए छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। एनआईए द्वारा बीएसएम के कार्यालय पर की गई छापेमारी के विरोध में बीएचयू सिंह द्वार पर संगठन से जुड़े छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि सरकार को डर है कि उसकी सत्ता उसके हाथ से चली जाएगी, उसी को बचाने के लिए सरकार अपनी तमाम एजेंसियों के माध्यम से तमाम छात्र छात्राओं के संगठनों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रही है और उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। प्रतिरोध सभा की शुरुआत क्रांतिकारी गीत से हुई और उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी बातें रखी। बीएसएम की सह सचिव सिद्धि बिस्मिल ने कहा कि एनआईए ने अपनी छापेमारी के दौरान हमारे साहित्य दस्तक और मशाल को जब्त किया है और एनआईए का कहना है कि ये नक्सली साहित्य है, चूंकि इसमें जितने भी लेख लिखे जाते हैं वो बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा ही लिखे जाते हैं। हम अपना पक्ष रखने के उद्देश्य से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन बीएसएम की सचिव इप्सिता ने किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना रहा कि पुलिस प्रशासन का रवैया पूरे कार्यक्रम के दौरान गुंडों जैसा था, क्योंकि उन्होंने धमकी देते हुए छात्र छात्राओं को केवल आधे घंटे के अंदर विरोध प्रदर्शन खत्म करने को कहा। आपको बता दें कि जो जब्त हुआ है हम लोग यहाँ से, वो ये दो चीज है, ये मशाल है हम लोग का छात्र मशाल, जो कि हर दो महीने पे हम लोग निकालते हैं, आम स्टूडेंट को प्रोफेसर को बांटते हैं, और इसमें जो लिखने वाला लेख होता है वो हम जैसे बीएचयू के स्टूडेंट से लिखते हैं, ये बीएचयू और इलाहाबाद से मिलके निकलता है, द्विमासिक है, इसमें लिखने वाला आप देख लो हर एक लेख बीएचयू का स्टूडेंट लिखा हुआ है, कोई बाहर ही नहीं लिख के गया है कि हम लोग छाप दिए और हम लोग पे नक्सली का वो आरोप लगाते हुए इसको जब्त कर लिया गया है। और दूसरा ये दस्तक मसाल जो कि सीमा निकालती है पीओसीएल की अध्यक्ष है, तो इस ऐसे दस्तक में क्या है जो कि आम पब्लिक पढ़ता है इसको देश दुनिया की जानकारी के लिए। कल हमारे यहाँ बीएसएम के ऑफिस पे और हम लोग के कमरों पे एनआईए आई छापामारी की है और सर्च किया हम लोग का पूरा रूम वगैरह ऑफिस वगैरह, तो उन लोग कुछ जब जो ले गए हैं वो हम लोग का ये दस्तक ले गए हैं और ये मशाल ले गए हैं, जो कि आपको कहीं भी अवेलेबल है, ऐसा कोई बात नहीं कि ये छुप के हम लोग निकालते हैं या फिर इसको छुपा के रखते हैं, ये सबके बीएचयू के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हाथ में आपको ये मशाल और ये दस्तक दिख जाएगा। तो इन चीज़ों को वो जब्त करके ले गई है एनआईए और पूरा ड्रामा मचाई हुई है कल आई हुई थी, तो उसी के खिलाफ हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि अखबारों में जो कि सरकारों जो कि अखबार निकलता है उसमें केवल सरकार का पक्ष आ रहा है, एनआईए का पक्ष आ रहा है, तो हम लोग अपना पक्ष रखने के लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और अभी यहाँ पे लंका पे जो है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ विरोध करते हुए। एनआईए ने जारी किया है कि जो है कि संलिप्तता पाई गई, संलिप्तता क्या पाई गई है, आप क्या जब्त किए होगी जो संलिप्त बता रहे हो, आप लोग जब्त ये किए हो ना, आपके उसमें तो यही लिखा हुआ है कि आप ये मशाल ले गए हो और आप ये दस्तक ले गए हो, तो इसमें क्या ऐसे नक्सली आप लोग भी लेकर उसको पढ़ सकते हैं, यहाँ का प्रोफेसर पढ़ता है, यहाँ का हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, इसमें ऐसी क्या संलिप्तता है कि आप इसको नक्सल से और माओवादी से जोड़ करके जब्त करके ले गए हो, और जो है कि इसमें जो लेख लिखते हैं वो सारे बीएचयू और इलाहाबाद के स्टूडेंट्स लिखते हैं, आप चाहो तो देख लो हर लेख के नीचे लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्रा, इसमें हर एक लेख छात्र और छात्राएं लिखे हुए हैं इस विश्वविद्यालय के, तो वो कहाँ से नक्सली हो गए, वो कहाँ से माओवादी हो गए जो कि आप संलिप्तता बता के इसको जब्त करके ले गए हो और जो कि आप एफआईआर करने का बोल रहे हो। इस सवाल मोबाइल भी ले गए हैं ऐसा कहा जा रहा है, क्या आपको बता रहे कि मोबाइल दिया गया है और लैपटॉप का जो सर्च किया गया है उसमें उन लोगों को रत्ती भर कुछ नहीं मिला, एक शब्द नहीं मिला है जो कि वो बताए कि वो संलिप्त है नक्सलियों से या फिर माओवादियों से, तो ये वो सवाल है कि वो संलिप्तता कैसे बोल रहे हैं, ना लैपटॉप में कुछ मिला है ना मोबाइल में कुछ मिला है, मोबाइल इसलिए ले गया है कि वो आराम से बैठ करके एक एक चैट एक एक मैसेज एक एक फोटो सब आराम से देखेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद इसीलिए ले गए वो मोबाइल। 12 को आप बुलाया गया है क्या, उसमें शामिल होने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आकांक्षा को नोटिस आया है कि वो लखनऊ के एनआईए के ऑफिस में पेश हो, तो वो जरूर जाएंगी और अपनी बात रखेंगी, अपना पक्ष रखेंगी।